फर्स्टली कांग्रेचुलेशन, आपकी वेब सीरीज आने वाली है वो जो, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा वेब सीरीज आपकी स्क्रिप्ट को, एंड सेकंडली मोजाइन ऑलरेडी आ चुकी है एंड टाइटल इज मोजाइन और कौन है। ओके सो हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस शो? वी आर वेरी एक्साइटेड एक्चुअली, क्योंकि हम दोनों की पहली सीरीज है ये, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काम किया। आप अपने पार्टनर के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हो, सैक्रिफाइस करते हो, उनकी तरह बन जाते हो, पर जब आपको वो इज्जत नहीं मिलती, बिकॉज यू नो एक रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है रिस्पेक्ट। आप अगर एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो वो रिलेशनशिप में प्यार हो, कंपेनियनशिप हो, डजंट मैटर। रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से टॉप पे आती है। तो कैसे ये दो इंडिविजुअल लोग अपने पार्टनर के लिए अपनी रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, पर कैसे खुद की रिस्पेक्ट को वापस हासिल करते हैं? अंडरस्टेटमेंट है, जैसे आप देख रहे हो सारा टाइम हंसती रहती है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये है इमोशनल सीन भी हंसती है। लेकिन इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, और इतनी प्रोफेशनल लड़की है ज्योति, हैट्स ऑफ, एन अमेजिंग काम किया। आप एक बार इसका काम देखिएगा, यू विल एग्री टू मी, शी हैज डन एन अमेजिंग जॉब। ओके, बट मैं ना जब ये मैंने हमारे लाइव सेशन में बोला था और मैं दोबारा बोलूंगी, जब मैं पहली बार आयुष से मिली, हम लोग रीडिंग के लिए मिले थे, इसे वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन सब कुछ याद था, एवरी सिंगल थिंग, स्क्रिप्ट में कहां पे इसे पॉज लेना है, कहां पे इसे कंटिन्यू करना है, एंड आई वाज लाइक ओ, अगर ये इस तरीके से प्रो है, मतलब इसको सब कुछ पता है स्क्रिप्ट के बारे में, और मैं पढ़ के भी फंबल कर रही थी उस टाइम। मतलब मैं स्क्रिप्ट मेरे सामने थी, स्टिल आई वाज फंबलिंग, तो आई वाज रियली स्केयर्ड कि व्हाट इफ मेरी वजह से इसका सीन खराब हो, यू नो, अगर मैं लाइंस बार बार भूल रही हूँ इसका मूड चला जाएगा। बट इट वाज अमेजिंग वर्किंग विद हिम। मैं पहली बार आयुष से मिली, फर्स्ट टाइम हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, और वाकई में विद द फर्स्ट डे हम इतने ज्यादा खुल चुके थे एक दूसरे के साथ कि फिर ना वो फॉर्मेलिटी नहीं थी, पर हाँ ये है कि कहीं ना कहीं बेचारे परेशान जरूर हुए मेरी हंसी की वजह से। एक कंफर्ट लेवल डे वन से बन गया था हमारा, एंड वैसे ये कहना चाहती हूँ मैं बहुत रट्टू पोपट हूँ, मेरे को याद हो गए थे। नहीं, पर एक दिन में कैसे याद हो सकता है? यही, मेरे को चार दिन पहले स्क्रिप्ट मिल गई थी, सीक्रेट आउट है, मैं अपने ऊपर इतना ब्लेम ले रही थी, मेरे को भी मिलती तो मैं भी याद कर लेती। चार दिन पहले मिल गई। नहीं, बट इट वॉज सुपर फन वर्किंग विद हिम। ओके, सो यू आर कमिंग अप विद एन एसोसिएशन विद DigiFlix TV, सो टेल अस समथिंग अबाउट इट, कैसा लगा उन लोग के साथ काम करते हुए, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद DigiFlix TV? वेल, इट्स अ वेरी प्रोफेशनल एनवायरमेंट आई मस्ट से। हम काम DigiFlix के साथ एक्चुअल नहीं कर रहे थे, हम कर रहे थे काव्या प्रोडक्शंस के साथ, प्रोडक्शन का था सारा वहाँ पे सेटअप जो था, बट अभी तक जितना भी DigiFlix के साथ एक्सपीरियंस रहा है, इट्स अ वेरी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एंड हर चीज टाइम टू टाइम होती है। आई गेस वी वर एसोसिएटेड विद काव्या फिल्म्स, बट एट द सेम टाइम इनडायरेक्टली वी वर एसोसिएटेड विद DigiFlix एज वेल, और नंदिता मैम से हमारी बात हुई, हमारी DigiFlix की टीम से बात हुई रिगार्डिंग यू नो एवरीथिंग।
तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एज आयुष सेड कि बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत ज्यादा सुलझे हुए हैं सर हर कोई कि व्हाट दे वांट फ्रॉम देयर कैरेक्टर्स एंड क्या उन्हें नहीं चाहिए. सो आई थिंक दैट इज अमेजिंग एंड आई होप कि लोग डिजिफ्लिक्स को डाउनलोड करें, उसको सब्सक्राइब करें और हमारा शो देखें. एंड वन थिंग आई नीड टू अप्रिशिएट अबाउट डिजिफ्लिक्स इज दैट आजकल अगर आप लव स्टोरीज देख रहे हैं तो वी ऑल नो कि वो लव स्टोरीज होती हैं लेकिन पूरी फैमिली साथ में बैठ के नहीं देख सकती. कुडोज टू डिजिफ्लिक्स कि उन्होंने ऐसी एक लव स्टोरी लाई है जिसमें पूरी फैमिली साथ बैठ के एक साथ मतलब दे कैन एंजॉय दी सीरीज. इट्स एग्जैक्टली इट्स अ वेरी क्लीन ओल्ड स्कूल रोमांस जो आजकल मिसिंग था और तो वो आपको डिजिफ्लिक्स पे देखने को और वो जल्दी से ओटीटी पे हर कोई यू नो एक स्टैंड नहीं ले रहा है कि हमें एक क्लीन लव स्टोरी चाहिए क्योंकि ऐसी ही होती है लव स्टोरीज. एवरीथिंग इज नॉट अबाउट इंटीमेशन और एनीथिंग. इंटीमेट होना इज अ डिफरेंट सिनेरियो बट इमोशनली इंटीमेट होना एग्जैक्टली वो हमारे शो में है. एंड वी बोथ वर वेरी क्लियर, वी वर ऑन द सेम पेज जब हमारी बात हुई कि हम ऐसे एक वेब शो में अपना लॉन्च चाहते थे जो एकदम क्लीन हो, लव स्टोरी हो लेकिन एकदम क्लीन हो. Yeah, so we were lucky. Touch wood. Yeah, that Digiflix came with such an amazing project. Okay, so what made you to choose this script? कुछ एक चीज जो आपको काफी अच्छी लगी और आपने ये कहानी चूज की. As I said, concept पहली बात तो. Yeah. Secondly, firstly मैं बोलूँगा यार director मानस. Yeah, he's a darling. He's a he has written the script. Yeah. The dialogues मतलब एक एक character को उन्होंने घोट के पी लिया. मतलब उन्होंने हमें जब फर्स्ट टाइम मैं मनस्वी सर से मिली थी जब उन्होंने मुझे पूरा स्टोरी बताया था, पूरी स्टोरी बताई थी कैसे कैरेक्टर्स का अप एंड डाउन होगा, उनका इमोशन, उनकी उनका पेन, उनकी हैप्पीनेस एंड द वे ही वाज एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग टू मी. और ऐसा नहीं उन्होंने मुझे अगर मेरा पर्टिकुलर कैरेक्टर तो उन्होंने मुझे सिर्फ मेरे बारे में बताया, मुझे उन्होंने आयुष के कैरेक्टर के बारे में बताया, मुझे मेरे हस्बैंड के कैरेक्टर के बारे में बताया, पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर एग्जैक्टली मतलब उन्होंने हर एक सिनेरियो बताया एंड द वे उन्होंने स्टोरी को पोर्ट्रे किया था ना, इट वॉज सो टचिंग, इट वॉज सो लविंग, यू नो क्यूट सिंपल एंड दिल को छू जाने वाली स्टोरी है. तो It was like कि नहीं करना यार, इसे नहीं छोड़ना है. इसे तो छोड़ना ही नहीं था. As I said, कि यार इतनी clean love story नहीं आती OTT platform पे. In fact, for that matter of यार cinema halls में भी इतनी clean love story कहाँ आती है? Exactly. है ना? Yes. Okay, so there was one scene जहाँ आप इनको थप्पड़ मारते हो, तो वो scene के पीछे कुछ बता सकते हो sir? पीछे क्या बताना है? अब तो सबके सामने ही है. Exactly, मतलब पीछे का तो कुछ है नहीं. But I must tell you, I was scared. कि मैं मेरे को आयुष को थप्पड़ मारना है बिकॉज मुझे था कि कहीं मैं इसको हर्ट ना कर दूं. एंड ही वाज लाइक नहीं मतलब एक ही टेक देना, अब तू मेरे को असली में मार. एंड आई वाज लाइक देख आयुष जोर से लग सकती है एंड डर-डर में बहुत तेज मार दिया इसने मुझे. एंड ही वाज लाइक नहीं तू मारेगी, मैं बोला पक्का ना, ही वाज लाइक हां एंड आई स्लैप्ड हिम एंड आई वाज लाइक ओ शिट क्योंकि ही वाज नॉट लाइक ओ शिट, आई वाज लाइक ओ शिट. और आपको एक बात बताऊं ऑनेस्टली, मैंने कहा था हां मारियो मारियो मारियो, सीन के बीच में जैसे तड़क से मारा था ना, मैं हिल गया था, मैंने कहा ये क्या हुआ. और आप सीन में देख सकते हो बिकॉज़ वो एक ही शॉट है, मेरा क्लोज है, उसमें आप ताड़ मेरे को खाते हुए देखते हो और एकदम से मेरा पूरा फेस लाल, और वो एक्चुअली में हुआ था और उसके मतलब और मेरे रियल के आंसू भी आ गए उसके. नहीं पर मैंने ऐसे हो गई थी क्योंकि नहीं मैंने बाद में तुझसे पूछा था कि सॉरी भी बोला था, मैंने कहा था मतलब इसका चेहरा एकदम लाल हो गया था. And I was like, मैंने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से मार दिया, but वो actual में थप्पड़ खाया है आयुष ने, असली थप्पड़ में काम आ गया ना वो. हाँ, वो आप सीरीज देखो आप, अगर आपको अच्छी लगेगी तो. Okay, so now the trailer has came out, so आपको किस तरह का response आ रहा है? हमें बहुत अच्छा response आ रहा है. सबसे अच्छा response जो मुझे लगा वो ये था, season 2 कब बन रहा है? ये जब हमें लोगों ने हमसे क्वेश्चंस किए ना कि व्हेन इज सीजन 2 कमिंग, तब हमने सीधे नंदिता मैम को बोला कि लाइव में पूछ लिया मैम कब आ रहा है, कब आ रहा है बता दो सबको, जनता जवाब मांग रही है कब आ रहा है सीजन 2. सो यस, रिस्पांस बहुत अच्छा आया है और इन हमारी इंडस्ट्री के भी काफी जाने माने लोगों ने हमें कॉन्टेक्ट किया और हमें बताया कि वाकई में बहुत अच्छा लगा उन्हें ट्रेलर
और उन्होंने सीरीज भी देखी है, उन्हें अच्छी लगी, बहुत ही प्यारी लगी. सो यस, एंड आई बिलीव दैट दिस सीरीज विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम. या इट हैज अ लॉन्जेविटी. ये लोग मतलब आगे भी देखेंगे. मैं खुद दो बार देख चुका हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मेरी सीरीज है. Sometimes, आपका खुद का काम भी आपको अच्छा लग सकता है. अच्छा लग सकता है, यस. लेकिन मेरे को ज्योति का काम बहुत अच्छा लगा, ऑनेस्टली, क्योंकि मैं स्क्रीन पे देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड आई बिलीव कि इस सीरीज की लॉन्जिविटी, एंड यू नो सीजन टू सीजन थ्री, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सक्सेस ऑफ द सीरीज. आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपने सीरीज देखी अभी तक? अच्छा लगा आपको? अच्छा. एंड फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, इवन द म्यूजिक वीडियो इज वेरी नाइस. इट्स संग बाय द लेजेंड सोनू निगम एंड श्रुति पाठक जी. तो मतलब आप, fingers crossed, everything is going great for the series. Kudos to Digiflix and Manasvi sir. I got to know, like, Ayush ke ko leke na, meko bahut sare matlab friends and all, you know. Yaar, banda kitna cute hai. Yaar, ye bechara itna dard se kyun ja raha hai? Ye aisi kaisi girlfriend mili hai use? Hame see na, use hamari jaisi girlfriend milni chahiye. Matlab there are girls out there who are asking for Ayush number. कि भाई मुझे आयुष का नंबर दे दे यार, इस बंदे को दिल, इसका दिल नहीं दुखना चाहिए यार, ये बेचारे का क्यूट है. दिया किसी को? तेरे से पूछ के दूंगी ना, ऐसे थोड़ी दे दूंगी. अभी बात करते हैं. हाँ, अभी हम बात करेंगे. ओके, सो लास्टली अपने फैंस को क्या कहना चाहोगी आने वाले समय में, क्या कुछ नया होने वाला है आपके, आप लोगों के साथ? अभी तो मैं बहुत ज्यादा यू नो सुपर एक्साइटेड सोलू अपनी सीरीज को लेके. तो अभी तो आगे के कोई प्लान्स नहीं है. अभी तो मेरा सिर्फ ये प्लान है कि बस ज्यादा से ज्यादा लोग ये सीरीज देखें और इस सीरीज को एंजॉय करें. नॉट ओनली बिकॉज इसमें हमने काम किया है, पर जेन्युइनली ये ऐसी सीरीज है जो सबको एक बार जरूर देखनी चाहिए. और आई होप जब आप ये सीरीज देखिए, आपको ये पसंद आए, हमारा काम पसंद आए. सो प्लीज कीप फोर्डिंग योर लव टू अस. एंड एज शी सेड, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव that you're giving, and we want more, we need more. Yes. And this series, it is made with love, as I always say, it is made with love, it is made by people who believe in love, and this is made to be loved. आप देखोगे ये सीरीज तो आपको बहुत पसंद आएगी. And yes, अभी पूरा फोकस हमारे शो पर ही है, गुम हो जाएं. Yes. And दो चीजें हैं और पाइपलाइन में, तो जब पक जाएंगी तो वो भी बाहर आ जाएंगी. एक म्यूजिक वीडियो है और एक और वेब शो है. So let's wait and watch. Yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much.